देखिए, हम लोग इसमें ब्रैंकियोस्टोमा का एक्सक्रेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, जो बीएससी पॉइंट पार्ट टू के लिए इम्पोर्टेंट है, जूलॉजी का, ठीक है। और जो एक्सक्रेटरी सिस्टम है उसमें चार तरह की संरचनाएं अवेलेबल होती हैं, चार तरह की संरचनाएं हैं जिससे अपना यह नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है शरीर से बाहर निकलता है। वो क्या क्या है? तो प्रोटोनेफ्रिडिया है, हैचेक्स नेफ्रिडियम है, ब्राउन फनेल है और रीनल पैपिली है, क्लियर। इसके अलावा ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, इस डायग्राम में पोस्टीरियर और इंटीरियर व्यू को दिखाया जा रहा है। पोस्टीरियर व्यू और इंटीरियर व्यू, जोन कौन सा है, कौन सा भाग है इसके शरीर का, तो ये भाग है फेरिंजियल पोर्शन है, जहाँ गिल स्लिट्स अवेलेबल है, ठीक है। गिल दरारें मौजूद हैं जो डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है। पोस्टीरियर वाले लाइन्स पर आप नीचे आते हैं तो गिल स्लिट दिखाई दे रहा है, तो गिल स्लिट्स पड़ा हुआ है। और गिल स्लिट्स को अलग करने के लिए गिल बार्स हैं, जो आपको काले काले रंग के रॉड्स दिखाई दे रहे हैं, इनको हम लोग गिल बार बोलते हैं। प्राइमरी गिल बार आप अपने राइट हैंड साइड में देख सकते हैं, लिखा हुआ है, ठीक है। और गिल बार पे लगे हुए आपको मुड़े हुए, छाते नुमा मुड़े हुए प्रोटोनेफ्रिडिया दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये तीन नेफ्रिडिया डायग्राम बनाया गया है जो आपको दिख रहा है, लेकिन नेफ्रिडिया की जो संख्या होती है वो ज़्यादा होती है। कितनी होती है? 500। कितना? 500, 500, 90 के आसपास नेफ्रिडिया लिखा हुआ है, 90 पेयर, ठीक है। 90 पेयर मतलब जोड़े में होते हैं नेफ्रिडिया प्रोटोनेफ्रिडिया, और इनकी संख्या लगभग 90 तक पहुंचती है, 90 से 100, ठीक है। और ये नेफ्रिडिया दोनों तरफ होते हैं, दोनों गिल बार की तरफ होते हैं, ये गिल बार पर लगे रहते हैं। और नेफ्रिडिया के पास डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ऐसे नेफ्रिडिया अरेंज होता है, क्लियर। क्या क्या दिखाई दे रहा है? तो नेफ्रिडिया में सोलेनोसाइट्स लिखा हुआ है, नेफ्रिडियो पोर एक डायग्राम में नाम दिखाई दे रहा है, गिल स्लिट्स जो दिख रहा है वो दिख रहा है, स्केलेटल रॉड दिखाई दे रहा है, प्राइमरी गिल बार दिखाई दे रहा है, सेकेंडरी गिल बार दिखाई दे रहा है, ऊपर आप प्रोटोनेफ्रिडिया और इसका इंटीरियर व्यू भी है, बॉडी का अगला हिस्सा और बॉडी का पिछला हिस्सा, इसका अरेंजमेंट आप देख लीजिए कैसे ध्यान से, ठीक है, ठीक है। एक अकेले नेफ्रिडिया का डायग्राम है, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है नेफ्रिडिया, जो हमने बोला कि क्या छाते का जो रॉड नहीं होता मुड़ा हुआ हुक की तरह, बिल्कुल वैसे ही मुड़ा हुआ है। और उसके अंदर वाला सरफेस जो है, एंटीरियर लिम्ब, देखो दो हिस्से में बटा हुआ है, एक लिखा हुआ है पोस्टीरियर हॉरिजॉन्टल लिम्ब डायग्राम में दिख रहा है, दूसरा लिखा हुआ है एंटीरियर वर्टिकल लिम्ब, ये खड़ा होता है, सो इसे वर्टिकल लिखा जा रहा है। और ये शरीर में आगे की ओर होता है, जहाँ पोस्टीरियर हॉरिजॉन्टल लिम्ब की बात की जा रही है तो वो पोजीशन उसका हॉरिजॉन्टल है, और शरीर में अगर शरीर के कंपैरिजन किया जाएगा तो ये हिस्सा शरीर में पीछे की ओर जाता है, आप करो पीछे की ओर जाता है, क्लियर। पोस्टीरियर लिम्ब को अगर आप देख रहे हैं तो उसमें नीचे की ओर एक ओपनिंग दिखाई दे रही है जिसे नेफ्रिडियो पोर कहा जा रहा है, हो जाएगा, ठीक। अगर आप बाहर वाले सरफेस को ध्यान से देखें, इंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों के बाहर वाले सतह को देखें, तो आपको छोटे 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 उभार दिखाई दे रहे हैं, जो ब्रांचेस दिखाई दे रहे हैं, और हर ब्रांच में आपको कुछ नडल लाइक संरचनाएं धंसी हुई दिखाई दे रही है इस डायग्राम में, ठीक है, गुच्छे में वो हैं। तो जो ये नडल लाइक संरचनाएं दिखाई दे रही है आपको, जिसका पिन की तरफ खुला हुआ हिस्सा है पिन हेड की तरफ, उसे हम लोग सोलेनोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। डायग्राम में आपको सोलेनोसाइट दिखाई देगा, ब्रांचेज ऑफ सोलेनोसाइट्स, क्लियर। ये जो सोलेनोसाइट्स हैं वो डूबे रहते हैं कहाँ? तो ये सोलेनोसाइट्स जो हैं वो सिलोमिक फ्लूइड में डूबे रहते हैं, और जिस जगह पे ये नेफ्रिडियम है, प्रोटोनेफ्रिडिया है, वहाँ पे ब्लड का वैसोलराइजेशन, रुधिर का संवहन बहुत ज़्यादा होता है, क्लियर। तो सफिशियंट अमाउंट में नाइट्रोजनस वेस्ट को सोलेनोसाइट सफिशियंट नाइट्रोजनस वेस्ट को एब्जॉर्ब करते हैं डिफ्यूजन के थ्रू, और उसे ला देते हैं किस में? तो प्रोटोनेफ्रिडियम में, और प्रोटोनेफ्रिडियम से निकल करके नेफ्रिडियो पोर से ये चला आता है एट्रियम में, ठीक है। आगे की लाइन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है एक्सक्रेटरी सिस्टम ऑफ एम्फियोक्सस या ब्रैंकियोस्टोमा, क्लियर। और इसमें लिख रखा है, हम लोग काशी विद्यापीठ के लिए पढ़ रहे हैं, लिखा हुआ है इसमें 214 में आया हुआ है, 2014 में 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया हुआ है, क्लियर। लोग स्टार्ट करेंगे पढ़ना, कोई भी यहाँ से स्टार्ट करिए। वाइल एक्सक्रेटरी ऑर्गन से, वाइल एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स ऑफ अदर कॉर्डर्स आर सिलोमोडक्स और मेसोडर्मल किडनीज, दोज ऑफ ब्रैंकियोस्टोमा आर इंटायरली डिफरेंट। इन ब्रैंकियोस्टोमा द नेफ्रिडिया डेवलप्स फ्रॉम द इक्टोडर्मल सेल्स एंड हैव नो रिलेशन विद मेसोडर्म। बस वेट कीजिए, यहाँ देखिए है क्या,
ये लिख रखा है वाइल एक्सक्रेटरी ऑर्गन ऑफ अदर कॉर्डेट्स, हम लोग कॉर्डेटा हैं, हम लोग ऑलरेडी ह्यूमन्स हैं, हम लोग कॉर्डेट्स हैं, और हम लोग में जो उत्सर्जी अंग है, एक्सक्रेटरी ऑर्गन है, वो कॉर्डेट्स में जो उत्सर्जी ऑर्गन होता है वो जनरली दो फॉर्म में होता है, या वो सिलोमोडक्ट होता है, या मीसोडर्मल किडनी होता है। आप लोग मीसोडर्म कभी सुने हुए हैं? ठीक है, जैसे हम लोग का जो विकास हुआ है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, इसके बेसिस पे हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है। और ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है कि एक्टोडर्म, मीसोडर्म और एंडोडर्म, क्या एक्टोडर्म, मीसोडर्म और एंडोडर्म से पूरी बॉडी विकसित होती है। यहाँ पे क्या है, कॉर्डेट्स का जो किडनी होता है वो मीसोडर्मल ओरिजिन का होता है, यानी ट्रिप्लोब्लास्टिक रीजन का जो मीसोडर्म है वो किडनी को बनाता है, क्लियर। या कुछ कॉर्डेट्स ऐसे हैं जिनमें एक्सक्रेटरी ऑर्गन जो होता है वो सिलोमोडक्ट होता है, ठीक है, सिलोम से डेवलप होता है, सिलोम की जो नलिकाएं होती हैं वो उसको बनाती हैं, क्लियर। लेकिन यहाँ जब हम लोग बात कर रहे हैं ब्रैंकियोस्टोमा की, तो ब्रैंकियोस्टोमा में साफ साफ इसने लिख दिया है कि ब्रैंकियोस्टोमा में का जो एक्सक्रेटरी ऑर्गन है वो दूसरे कॉर्डेट्स के कंपेरिजन में बिल्कुल डिफरेंट है। लिखा हुआ ना, ब्रैंकियोस्टोमा आर एंटायरली डिफरेंट, क्लियर। इसमें आगे अगली लाइन लिख रहा है, इन ब्रैंकियोस्टोमा द नेफ्रेडिया डेवलप फ्रॉम एक्टोडर्मल सेल। अभी हमने क्या बोला कि शरीर का जो विकास होता है वो एक्टोडर्म, मीसोडर्म और एंडोडर्म से होता है, और कॉर्डेट्स का जो किडनी है वो मीसोडर्म से डेवलप होना चाहिए या सिलोमोडक्ट से डेवलप होना चाहिए, बल्कि ब्रैंकियोस्टोमा में इसने साफ साफ लिखा कि ब्रैंकियोस्टोमा की जो किडनी, या सॉरी ब्रैंकियोस्टोमा का जो एक्सक्रेटरी ऑर्गन डेवलप हो रहा है वो एक्टोडर्म से डेवलप हो रहा है, एक्टोडर्म के सेल से डेवलप हो रहा है, न कि मीसोडर्म से, क्लियर। इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, सेल्स एक्टोडर्म सेल्स एंड नो रिलेशन विद मीसोडर्म, इनका कोई संबंध नहीं होता कि ये एक्सक्रेटरी ऑर्गन मीसोडर्म से डेवलप हो गया। दस दे आर डिफरेंट फ्रॉम किडनी ऑफ वर्टिब्रेट, यही वो कारण है जिससे ब्रैंकियोस्टोमा का जो एक्सक्रेटरी ऑर्गन है वो वर्टिब्रेट्स के किडनी से अलग हो जाता है, हो गया। विच आर मीसोडर्मल इन ओरिजिन, विच आर मीसोडर्मल इन ओरिजिन मतलब जो दूसरे कार्डेट्स हैं उनकी किडनी मीसोडर्मल ओरिजिन होती है। दे आर क्लोजली रिजेंबल विद प्रोटोनेफ्रेडिया, दे क्लोजली रिजेंबल द प्रोटोनेफ्रेडिया ऑफ प्लेटमोम एंड पॉलीकिड्स, पॉलीकिड एनिलिड्स। यहाँ देखो, यहाँ पे ब्रैंकियोस्टोमा का जो प्रोटोनेफ्रेडिया है उसकी समानता किससे दिखाई दे रही है, तो फ्लैटवर्म से दिख रही है। फ्लैटवर्म पढ़े आप लोग, जैसे टीनिया सोलियम फ्लैटवर्म है, बिल्कुल वैसे ही फैसियोला हिपैटिका फ्लैटवर्म है, और पॉलीकिड जानते हैं आप लोग, ठीक है, पॉलीनेफ्री वो आ जाएगा, नेरिस आ जाएगा पॉलीकिड में, तो पॉलीकिड के पास नेफ्रीडिया पाया जाता है, फ्लैटवर्म के पास फ्लेम सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है। तो फ्लेम सेल और नेफ्रीडिया, एनिलिड के नेफ्रीडिया से मिलता जुलता प्रोटोनेफ्रीडिया होता है किसका, तो ब्रैंकियोस्टोमा का, ब्रैंकियोस्टोमा तो कॉर्डेट है, ठीक। दस प्रोवाइडिंग अ गुड एग्जांपल ऑफ पैरेलल इवोल्यूशन, देखो प्रोटोनेफ्रीडिया का कॉर्डेट्स के बॉडी में मिलना इस बात को प्रूव कर रहा है कि इवोल्यूशन में जो इवोल्यूशनरी सिक्वेंस है या प्रोसेस है उसमें पॉलीकिड्स, फ्लैटवर्म और ये क्या बोलते हैं ब्रैंकियोस्टोमा जैसे ऑर्गेनिज्म एक साथ डेवलप हो रहे थे, ठीक है, पैरेलल इवोल्यूशन को शो कर रहा है, कोई डाउट यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, सम अदर ऑर्गन्स एंड सेल्स आर आल्सो रिगार्डेड टू बी एक्सक्रेट, कुछ और भी ऑर्गन्स हैं, कुछ और भी ऑर्गन्स हैं और कुछ और भी सेल्स हैं जो एक्सक्रेटरी ऑर्गन की तरह बिहेव करती हैं, किसके में, तो ब्रैंकियोस्टोमा में। जैसे कि पहले हम बोल चुके हैं कि प्रोटोनेफ्रीडिया के अलावा हैचेक्स नेफ्रीडियम भी एक्सक्रेटरी ऑर्गन है, एज वेल एज ब्राउन फनल भी एक्सक्रेटरी ऑर्गन है, रीनल पैपिली भी एक्सक्रेटरी ऑर्गन है, उसके साथ साथ इसकी बॉडी में कुछ सेल्स होती हैं वो भी एक्सक्रेशन का काम करती हैं, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है जैसे गोनड्स भी काम कर रहा है, स्पेशली टेस्टिस, और कुछ ऐसी सेल्स हैं जो यूरिक एसिड वगैरह को शरीर से बाहर एक्सपेल करने में हेल्प करती हैं, ठीक। इसके बाद अगर हम लोग पढ़ते हैं ऑर्गन को, वो सबसे पहले आता है प्रोटोनेफ्रीडिया, क्लियर, स्टार्ट कीजिए। प्रोटोनेफ्रीडिया, द प्रोटोनेफ्रीडिया ऑफ एम्फियोक्सिस आर सिंपल क्लोज्ड सिलिएटेड सैक लाइक एंड थिन वॉल्ड एक्टोडर्मल ट्यूब्यूल्स, ठीक है। जैसा प्रोटोनेफ्रीडिया की बात कर रहा हूँ, प्रोटोनेफ्रीडिया को डायग्राम में बोले हुए हैं देखने के लिए, प्रोटोनेफ्रीडिया कैसा होता है एम्फियोक्सिस का, तो सिंपल सा होता है, साधारण है, बंद रहता है, एक ट्यूब है जो चारों ओर से बंद है और सीलिएटेड है, सीलिया अवेलेबल है उसके ऊपर, और ये बंद अगर ट्यूब बन जा रहा है तो थैली की तरह दिखाई देता है, और इसकी जो वॉल है वो पतली है। डेवलप कैसे हो रही है, तो एक्टोडर्म से डेवलप हो रही है, और ट्यूब्यूल्स हैं ये,
इनका नंबर कितना है, तो 90 से 100 पेयर्स, इनके नंबर्स जो हैं वो 90 से 100 है, यानी प्रोटोनेफ्रेडिया ब्रैंकियोक्सिस, क्या लिखें, एम्फियोक्सिस की बॉडी में, एम्फियोक्सिस बॉडी में 90 से 100 पेयर्स के फॉर्म पाए जाते हैं। किस जगह पे है तो लिखा हुआ है प्रेजेंट सेगमेंटली ऑन डोर्सो लेटरल फेरिंजियल वॉल, फेरिंग्स का वॉल है और पोजीशन डोर्सो लेटरल है। डोर्सो लेटरल पोजीशन समझते हैं आप लोग, पीठ और बगल का हिस्सा, पीठ से अटैच पोर्शन रहेगा और साइड का पोर्शन रहेगा, फेरिंग्स वाले रीजन में डोर्सो लेटरल पोजीशन में आपके ये प्रोटोनेफ्रिडिया अवेलेबल होते हैं। और अगर हम बात करें नेफ्रिडियम का, तो ये इज बैंड फॉर्मिंग अ स्मॉल पोस्टीरियर हॉरिजॉन्टल एंड लॉन्ग लोअर एंटीरियर वर्टिकल लिम्ब, जैसा पहले डायग्राम को हम दिखा के बता रहे थे कि मुड़ा हुआ है, ये छाते के डंडे की तरह मुड़ा हुआ है, और इसका जो ऊपर का हिस्सा है, जो डोर्सल सरफेस का हिस्सा जाएगा, उसे बोलते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल लिम्ब, ठीक है, इसे पोस्टीरियर पोर्शन बोलते हैं, क्योंकि बॉडी से इसका अरेंजमेंट जो होता है वो पोस्टीरियरली होता है। इसके अलावा लंबा डंडा जो है, रॉड लाइक से जो सीधा है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्ग लोअर एंटीरियर वर्टिकल लिम्ब, ये सीधा खड़ा होता है बॉडी के कंपैरिजन में, सीधा नीचे की ओर जा रहा है, तो इसे वर्टिकल लिम्ब बोल देते हैं। और ये पोस्टीरियर वाले पोर्शन से आगे की ओर होता है, यानी बॉडी में आगे की ओर सिचुएटेड होता है, सो इसे एंटीरियर बोल देते हैं। द वर्टिकल लिम्ब्स लाइज इन सिलोमिक कैनाल, वर्टिकल लिम्ब्स की अगर हम लोग बात करें तो ढेर सारे सिलोमिक कैनाल्स हैं फेरेंजियल रीजन में, गिल बार्स में, उसी में ये पड़ा रहता है, क्लियर। वर्टिकल लिम्ब किस में पड़ा हुआ है, सिलोमिक कैनाल में पड़ा हुआ है, हो जाएगा। सिलोमिक कैनाल ऑफ प्राइमरी गिल बार एंड टर्मिनेट ब्लंटली, अगर हम वर्टिकल लिम्ब की बात करें, उसके निचले हिस्से को देखें जहाँ वो टर्मिनेट हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, वहाँ पे वो नुकीला नहीं है, वहाँ वो ब्लंट एंड क्रिएट कर रहा है, ठीक है, क्या बोलते हैं हिंदी में सब मोथर, मतलब वो नुकीला नहीं रहेगा, शार्प नहीं रहेगा, क्लियर। आगे बढ़िए, दस द हॉरिजॉन्टल लिम्ब आल्सो लाइज इन द डोर्सल सिलोमिक कैनाल बट ओपन, वेट कीजिए, देखिए अगर हम लोग बात करें वर्टिकल की बात की है, तो कहाँ पड़ा हुआ था वो, तो प्राइमरी गिल बार में पड़ा हुआ था। अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल लिम्ब की बात कर रहे हैं तो ये भी अवेलेबल है कहाँ पे, तो डोर्सल सिलोमिक कैनाल में, लेकिन बट ओपन इनटू एट्रियम, ये जो डोर्सल लिम्ब है, अरे हॉरिजॉन्टल लिम्ब है, वो एक ओपनिंग के फॉर्म में खुल जा रहा है, कहाँ पे, तो एट्रियम में, अपोजिट साइड ऑफ सेकेंडरी गिल बार, ठीक ना, सेकेंडरी गिल बार का ठीक उल्टे तरफ, बार बाई अ स्मॉल सीरिएटेड अपर्चर, एक छोटे से पोर के फॉर्म में ये खुल जा रहा है, किसमें, तो एट्रियल कैविटी में या एट्रियम में, ठीक है, छोटे से ओपनिंग के, सीरिएटेड ओपनिंग के फॉर्म में ये खुल जा रहा है पीछे की ओर, और इस ओपनिंग को क्या बोल रहे हैं हम लोग, नेफ्रिडियो पोर, हो जाएगा। अब आगे, The dorsal and anterior surface of nephridium gives out several small branches, each receiving a tuft of flame cells called solenocytes. अगर हम लोग dorsal portion को देखें और anterior portion को देखें protonephridia में, तो आप हमें दिखाई देगा कि ढेर सारे छोटे छोटे small branches available हैं, शाखाएँ available हैं, और हर branch पे एक झुंड है, किसका झुंड है, तो flame cells का झुंड है। फ्लेम सेल्स हम लोग पॉले पढ़ रखे हैं कहाँ, तो टीनिया सोडियम जैसे ऑर्गेनिज्म, क्लियर, और इन्हें हम लोग सोलेनोसाइट्स बोल देते हैं। तो फ्लेम सेल्स का एक झुंड लगा हुआ है हर ब्रांच के ऊपर, ठीक है, और इसमें लिख रखा है अगली लाइन, अ नेफ्रिडियम बियर अबाउट 500 सोलेनोसाइट्स, यानी एक नेफ्रिडियम पे लगभग 500 सोलेनोसाइट्स हैं, क्लियर। आगे, ईच सोलेनोसाइट इज नियरली 50 माइक्रोन लॉन्ग एंड कंसिस्ट ऑफ अ टाइनी राउंडेड न्यूक्लिएटेड सेल बॉडी एंड अ लॉन्ग होलो स्टॉक और ट्यूब्यूल दैट ओपन्स इनटू द ल्यूमेन ऑफ नेफ्रिडियल ब्रांच थ्रू अ सेपरेट अपर्चर। बस वेट कीजिए, एक लंबी सी लाइन हो गई। देखो अगर हम सोलेनोसाइट की बात करें, तो हर सोलेनोसाइट, अगर किसी एक सोलेनोसाइट को आप निकालेंगे, तो इसकी लंबाई 50 माइक्रोन है, ठीक है, इसकी लंबाई 50 माइक्रोन है एंड कंसिस्ट और टाइनी राउंडेड न्यूक्लिएटेड सेल बॉडी, ठीक है। अगर लंबा सा ट्यूब दिखाई दे रहा है, तो हेड पे सबसे टर्मिनल पोजीशन पे छोटा सा बॉल की तरह सेल बॉडी दिखता है, ठीक है, उसमें न्यूक्लियस अवेलेबल है, न्यूक्लियस अवेलेबल है, और सेल बॉडी अटैच है लंबे ट्यूब, लंबी से ट्यूब से, क्लियर, और ट्यूब खोखला है, सेल बॉडी से एक फ्लैजला लगा रहता है, और वो फ्लैजला कहाँ चला आता है, तो जो ल्यूमेन है ना, लंबा स्टाल डंठल जो है उसमें चला आता है। याद रखिए, जो जो स्टाल का जो डंठल है वो आकर के जुड़ जाता है किससे, तो ब्रांच से, ठीक है, जो ब्रांचे निकले हुए ऐसे अटैच हो जाता है, और उसका फ्लैजला जो है वो वाइब्रेटिंग है, याद रखिएगा,
वो वाइब्रेट स्पंदन करता रहता है और फ्लैजला लटका रहता है ब्रांच तक। आगे बढ़ जाइए। Along with the tail flagellum arising from a minute basal body in the cell extends through the tubule and projects freely into the new vein of nephridium। हाँ बस वही है, जैसे बेसल बॉडी जो टाइनी हेड था उससे फ्लैजला अटैच्ड है, उसमें बेसल बॉडी है और लंबा सा फ्लैजला है वो ट्यूब से होता हुआ ब्रांच तक चला आ रहा है, क्लियर। और क्या लिखा है, वाइब्रेट करता रहता है, ठीक है, वाइब्रेट करता रहता है। आगे The nephridia richly supplied with blood vessels and the solenocytes freely project into ciliomic fluid। ठीक है, ये लिखा हुआ है, नेफ्रीडिया रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स, हो गया। देखो नेफ्रीडिया तक ब्लड वेसल्स सफिशियंट अमाउंट में ब्लड पहुंचा रहा है, क्लियर, एज वेल एज एंड सोलेनोसाइट्स फ्रीली प्रोजेक्ट इनटू सिलोमिक फ्लूइड। जबकि जो सोलेनोसाइट्स हैं वो किस में डूबे हुए हैं, तो सिलोमिक फ्लूइड में डूबे हुए हैं। अब ध्यान रखिएगा, ब्लड में जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो भी एज वेल एज जो सिलोमिक फ्लूइड में नाइट्रोजनस वेस्ट है वो भी, वो डिफ्यूजन के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और चलाएगा नेफ्रीडिया के अंदर, सोलेनोसाइट से नेफ्रीडिया में या डायरेक्ट नेफ्रीडिया में चलाएगा। और लिखा हुआ अगली लाइन, एक्सक्रेशन ऑफर बाई सिंपल डिफ्यूजन, वो डिफ्यूज होकर आगे नेफ्रीडिया में, नाइट्रोजनस वेस्ट आर, क्या लिखा हुआ है, एक्सट्रैक्टेड बाई सोलेनोसाइट, वही सोलेनोसाइट नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सट्रैक्ट कर लेंगी। कहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगी, कहाँ से खींच लेंगी, तो सिलोमिक फ्लूइड से खींच लेंगी, क्लियर, क्योंकि सिलोमिक फ्लूइड में डूबी हुई है। एंड फ्रॉम ब्लड एंड सिलोमिक फ्लूइड लिखा हुआ है, डिस्चार्ज इनटू नेफ्रीडियोपोर, जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट आया है उसे नेफ्रीडियोपोर द्वारा पहुंचा दिया जाएगा, कहाँ, तो एट्रियम में, ठीक है, उसे एट्रियम में पहुंचा दिया जाएगा, क्लियर। और आगे बढ़िए, एंड पास्ड आउट ऑफ बॉडी थ्रू एट्रियोपोर विद द आउटगोइंग वाटर करंट, ठीक है। और उसके बाद कहाँ भाई, एट्रियम में पहुंच गया तो एट्रियम से पास्ड आउट बॉडी थ्रू, अब शरीर से भी बाहर निकाल दिया जाएगा क्योंकि एट्रियम बाहर खुलता है एट्रियोपोर के थ्रू वो नाइट्रोजनस वेस्ट वाटर करंट के साथ शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। एज ऑलरेडी मैंशन, प्रेजेंट प्रोटोनेफ्रीडिया इन एम्फीऑक्सिस क्वाइट पिक्यूलियर सिंस दे डू नॉट ऑकर इन एनी अदर ऑर्गन, क्लियर। ये क्लियर लिख रहा है कि जैसा पहले बताया गया है कि प्रोटोनेफ्रीडिया जैसी रचना जो है वो एम्फीऑक्सिस के अलावा और किसी भी कॉर्डेट्स में नहीं पाई जाती, क्लियर।